मॉर्निंग और आप सभी का स्वागत है हमारे ब्लॉग में। सुबह के बज गए हैं 10 और अभी तक के एज यूजुअल हमेशा की तरह हमारा नाश्ता नहीं हुआ है और आज भी हम नाश्ते में तरी पोहा ही बनाने वाले हैं क्योंकि मुझे और कुछ सूझी नहीं रहा था बनाने के लिए। तो मैं जस्ट अभी अभी उठी हूँ, जाती हूँ, ब्रश वगैरह करती हूँ, फ्रेशन अप होती हूँ और फिर नाश्ता करने चलती हूँ। और पता है मैंने ना एक चीज़ नोटिस की है कि जब मैं 8 बजे उठती हूँ तो टस्की के लिए भी 8 बजे उठ जाते हैं सुबह सुबह, जब मैं 10 बजे उठती हूँ तब ये लोग भी 10 बजे ही उठते हैं मेरे साथ। मतलब पेट्स का भी जो पैटर्न रूटीन होता है ना वो पेट पेरेंट्स पे ही डिपेंड करता है। अगर पता है क्या, कभी मैं चिड़चिड़ वगैरह करती हूँ ना तो मेरे कैट्स भी एक्चुअली हो जाते हैं, थोड़े से पैनिक हो जाते हैं। अगर मैं कभी पैनिक कर रही हूँ तो मेरे कैट्स भी पैनिक करते हैं। कभी मैं इमोशनल हो जाती हूँ, कभी मैं अगर मुझे अच्छा नहीं लगता है ना तो क्लोई तो टस्की का मुझे इतना नहीं पता लेकिन क्लोई तो फॉर श्योर वो भी पता है मेरे साथ इमोशनल हो जाती है। तो ये एक चीज़ है जो मैंने नोटिस की है हमारे क्लोई और टस्की में, लेकिन अभी वो हम चेंज करेंगे। सुबह सुबह पता है ये मुझे उठाने के लिए आती भी है, आई गेस 8 या 8:30 बजे ये मुझे उठाने आती भी है, लेकिन पता है मैं क्या करती हूँ, मैं इसको खाना देती हूँ और फिर से सो जाती हूँ। उसकी गलती नहीं है, वो पूरी कोशिश करती है उठाने की लेकिन मैं ही नहीं उठती हूँ। लेकिन कल से मैं तुझे वादा करती हूँ जब तू उठाने आएगी ना तब मैं उठ जाऊँगी, ठीक है। ओ भाई साहब, पता है अब जब मैं किचन में आ रही हूँ ना तो मेरा ध्यान जा रहा है कि हम लोगों ने तो चने भिगाए ही नहीं है। मतलब हम लोगों ने सिर्फ एक दाल भिगाई है, वो भी इसे चौड़ी बोलते हैं आई गेस। तो ये तो मैंने लंच के लिए भिगाया हुआ था, बाबू को बोला था मैंने कि चने भिगा देना, अब मुझे ऐसा लग रहा है ना कि उसने चने भिगाए नहीं है। हमारे पूरे नाश्ते का भी सत्यानाश हो गया, अब मुझे सोचना पड़ेगा कि क्या बनाऊं। मैंने आप लोगों को याद है कल ही बताया था कि हमारा जो पूल है वो क्लीन नहीं है और मेरे फ्लोट लेने का कोई भी फायदा नहीं हुआ है, ये फिर से फोकस नहीं कर रहा है। और आज फाइनली पूल साफ हो रहा है, इसका मतलब हम पूल में जा सकते हैं, वाओ। लेकिन एक और चीज जो हो गई है हमारे साथ कि मैंने ना फ्लोट में से हवा निकाल कर रख दिया था तो अभी वो फ्लोट में भी मुझे हवा भरनी पड़ेगी। कितना फूटा नसीब है यार मेरा, मुझे लगा पता नहीं अभी पूल कब तक क्लीन होगा और आज सुबह जब मैं देख रही हूँ तो पूल क्लीन हो रहा है और मैंने फ्लोट में से हवा निकाल दी, अब उसमें फिर से हवा भरनी पड़ेगी। आज पता है मैंने इतना बड़ा ब्लंडर किया है सच में। एक्चुअली मैंने व्लॉग अपलोडिंग के लिए डाला, ठीक है, लेकिन जब मैंने व्लॉग अपलोड कर लिया तो मुझे पता चला कि यार एक वीडियो उसमें ऐसा डाला था ना मैंने जो बहुत ही मतलब क्या था, बहुत ही रॉ था, उसमें मैं कुछ तो भी बकबक बकबक कर रही थी और उसमें मैं म्यूजिक डालना भूल गई थी तो वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। फिर मैंने वो डिलीट किया, फिर मैंने उसमें म्यूजिक डाला, फिर मैंने उसको अपलोड किया और पता है जब मैं एक्सपोर्ट कर रही थी वो वीडियो तो मैं एक क्या बोलते हैं विटा ऐप है, आप सभी को पता होगा, तो मैं विटा ऐप से करती हूँ सारे मेरे वीडियोज एडिट एंड ऑल। तो जब मैं वहाँ से एक्सपोर्ट कर रही थी ना तो वो एक्सपोर्ट ही नहीं हो रहा था। 2 बार एक्सपोर्टिंग करने का मैंने ट्राई किया और एक्सपोर्ट करने में भी काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है क्योंकि 20 मिनट्स का ब्लॉग था हमारा, तो बहुत ही एकदम फंबल हो गया वो, 1-2 घंटा मेरा पूरा उसी में वेस्ट हुआ है। फाइनली 1:15 बजे हमारा व्लॉग जो है वो अपलोड हुआ और अभी मेरे हाथ में मोबाइल आया शूट करने के लिए, वरना ये मोबाइल ऐसे पड़ा हुआ था क्योंकि एक्सपोर्टिंग वगैरह शुरू थी। तो आज मैंने प्लान बनाया कि आज फाइनली हम लोग जाते हैं स्विमिंग पूल में और ऑलरेडी बहुत सारे लोग जा चुके हैं पूल में, लेकिन उसके पहले मैंने अपना खाना बना लिया और खाने में मैंने चौली की सब्जी, चौली बोलते हैं आई गेस उसको, चौली की सब्जी बनाई है, चावल बनाए हैं और रोटी तो मुझे गरम गरम पसंद है तो अभी मैंने आटा वगैरह गूंथ के रखा है तो रोटी तो हम आने के बाद बनाएंगे। लेकिन उसके पहले एक और चीज़ मुझे करनी है, अगर आप लोगों ने हमारा वो वाला व्लॉग देखा होगा जिसमें हमने हमारी कार की डिलीवरी ली थी तो उसमें पता है हमें एक कार्ड मिला था जिसमें हमने स्क्रैच किया था तो उसमें कोड होता है जो हमें रिडीम करना है, वो अभी तक के मैंने रिडीम नहीं किया, उसका टाइम सिर्फ 15 अक्टूबर तक के है और मैं वो चीज़ भूल जाऊंगी और वो पड़े रहेगा या तो गुम हो जाएगा, इसलिए सबसे पहले ना अभी चलते हैं हमारा जो गिफ्ट है उसको रिडीम करने के लिए। तो अभी जस्ट मैं रिडीम करने के लिए बैठी थी हमारा ये जो गिफ्ट है वो, लेकिन लैपटॉप खोलने के बाद मुझे पता चलता है कि लैपटॉप शुरू ही नहीं हो रहा है जबकि मैंने जस्ट अभी पावर ऑन किया था, लेकिन ये लैपटॉप शुरू ही नहीं हो रहा है और मुझे ऐसा लग रहा है ना कि
अब टाइम आ गया है कि हमें एक न्यू डिवाइस पर इन्वेस्ट करना पड़ेगा। आई नो आप लोग फिर से बोलोगे कि यार दीदी आप कितना ही खर्चा करते हो, अभी आपने गाड़ी ली, फिर सोफा लिया, आप शॉपिंग वगैरह करते हो, लेकिन यार ये जो चीज़ है ना इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, ये बहुत ही ज़्यादा नीडेड होते हैं। और इसको आई गेस 6 साल कंप्लीट हो चुके हैं, तो ऑलरेडी ये पूरा ख़राब हो चुका है। ये इसका ना बहुत बार आई गेस SSD वगैरह भी करप्ट हुआ था, तो मुझे तभी भी बहुत ज़्यादा दिक्कत गई थी। और इसमें मेरे काफ़ी सारे मेमोरीज़ हैं, तो मैं नहीं चाहती कि ये लैपटॉप ख़राब हो जाए। उसके पहले ना हमें एक न्यू डिवाइस पर करना पड़ेगा स्विच, लेकिन अभी कैसे करें यार ये रीडिंग, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। फाइनली लैपटॉप शुरू हो गया है और अब हम इसको करते हैं रीडिम। यहाँ पर आ गए हैं बोट निर्वाणा, ये वाला हमको लेना है, बोट निर्वाणा ईयरबड्स। इस पे करते हैं सिलेक्ट और करते हैं रीडिम। यार पता है क्या, आज मेरा फुल टू प्लान था पूल में जाने का, लेकिन आज पूल में बहुत ही ज्यादा वाली एकदम भीड़ जम गई है। मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। एक तो ये फोकस नहीं करता है मेरा फोन, लेकिन ठीक है आप लोगों को ऐसे दिख रहा होगा। पूल में ऑलरेडी बहुत सारे लोग जा चुके हैं, इसलिए मैं सोच रही हूँ कि हम ना कल सुबह सुबह जाएंगे, क्योंकि सुबह के टाइम में ना इतने सारे लोग नहीं होते हैं पूल में। और तब तक के मैं मेरा जो वो क्या बोलते हैं उसको फ्लोट है ना, उसको भी फुगा लूँगी। और अभी फिलहाल हम हमारा खाना खाते हैं, और भाई की जो टी शर्ट थी ना, वो टी शर्ट उसको बहुत टाइट हो गई, तो वो वाला टी शर्ट भी एक्सचेंज करवाना है, इसलिए पहले खाना खाते हैं और उसकी टी शर्ट एक्सचेंज करने के लिए निकल। और खाने से याद आया मुझे कि खाने में हमने बनाई है ये चौली की सब्जी, और ये ना थोड़ी ज़्यादा थिकनेस में, बहुत ही ज़्यादा जो इसकी कंसिस्टेंसी है ना वो बहुत ज़्यादा थिक हो गई है, तो इसको थोड़ा सा पतला करने के लिए हमें इसमें पानी डालना पड़ेगा। अभी तक के मैं रोटी बनाने की हूँ, चावल मैं ऑलरेडी बना चुकी थी, तो अभी रोटी बनाते हैं, खाना खाते हैं और फिर निकलेंगे। मैं तुझे तभी बोल रही थी बाबू कि ये वाला मत ले, अभी वापस जाना पड़ रहा है ना अपन को। भाई पहले बिल ले लेते हैं, ये मैं भूलते हुए जा रही थी, फिर मुझे वापस आना पड़ता पता है। अब मुझे पता नहीं है, हमें 2 दिन हो गया है डीमार्ट से शॉपिंग करके, मुझे कोई भी आइडिया नहीं है कि शायद वो लोग करेंगे एक्सचेंज या नहीं करेंगे। लेट्स होप फॉर द बेस्ट। तो हमारी चीज में ना एक और फंक्शन है, यहाँ पर अगर होल्ड करके रखा मैंने तो गाड़ी अपने आप शुरू हो जाएगी। मैंने अभी तक ये फंक्शन एक भी बार किया नहीं है यूज, तो लेट्स सी होती है या नहीं। और फिर ये होल्ड करके रखना है। भाई साहब सही है, ये फीचर सही है सच में, गाड़ी शुरू हो गई सिर्फ कीज से। चलो लेट्स गो। बाबू शर्ट लिया है ना, टी शर्ट इतना फालतू है ना ये लड़का, तो पता चल रहा है हमने बिल ले लिया, डीमार्ट पहुंच गए लेकिन इसने टी शर्ट ही नहीं ली। बोल रहा हूँ नहीं लिए, ऊपर चल बाबू ली है तू, नाटक मत कर। क्या दीदी क्या पूछती है तू भी, इधर करना 3, 2, 1 स्टार्ट तू गाना का। नहीं ताक ये टनल देखो यार, इधर कितनी ज्यादा भीड़ लगी हुई है, मतलब तुम लोग खुद ही देखो। पता है 2 सिग्नल चले गए हैं और अभी तक के मैं इस टनल में ही हूँ, ये टनल से पता नहीं हम कब निकलेंगे। और ऊपर से पता है ये थोड़ा सा अपहिल है और अपहिल में हमें रुकना पड़ रहा है, तो वो तो अच्छा है कि हमारी गाड़ी में ये है क्या बोलते हैं वो हिल, हाँ ये तो अच्छा है कि हमारी गाड़ी में हिल होल्ड है, उस वजह से हमारी गाड़ी में हमको तकलीफ नहीं होती ऐसे जगह, मतलब ऐसे रास्तों पर। गियर वाली होती तो तू बहुत, नहीं नहीं गियर वाली इजीली निकलती है क्लच होल्ड करके, तू नहीं कर पाती। मैं करती थी, यही रास्ते से आना जाना था यार मेरा, जाती फिर धीरे धीरे पीछे जाती, कुछ कांड कर देती। कुछ कांड नहीं होता, लेकिन यार ये कब तक हटेगा, मतलब अब 7 बजे नहीं पहुंचेंगे क्या हम वहाँ पर, ऑलरेडी 6:30 बज गए। वो सिग्नल अभी बंद है और लोग सिग्नल तो, मतलब सिग्नल अभी बंद है और ट्रैफिक पुलिस ने इशारे भी नहीं दिए निकलने के लिए, और लोग पता है क्या ऐसे ही तोड़ के बिना रूल्स एंड रेगुलेशंस के भाग रहे हैं, मतलब उनको कितनी मेहनत लग रही है अभी बारिश में। क्या बारिश में आई छाता बंद कर दे। नहीं मैं फिर भी भीग रही हूँ। अगर गलती से आ गई तो और छाता खोलने का टाइम नहीं मिला तो क्या करूंगी ना मैं, इसीलिए दीदी छाता टूट जाएगा। मेरा छाता ही उल्टा हो गया, थैंकफुली वो टूटा नहीं, वरना टूट जाता और छाता भी लेना पड़ता अभी हमको डीमार्ट से। तूने अपना लिया है ना? हाँ टी शर्ट ली है उसने, देखते हैं अभी उन्होंने चेंज कर, मतलब एक्सचेंज कर देना तो चाहिए, क्योंकि पता है मैंने डीमार्ट में कभी भी चीज़ें एक्सचेंज या रिटर्न नहीं की, तो मुझे कुछ भी अंदाज़ा नहीं है कि ऐसा होगा या नहीं होगा, वैसे हो तो जाना चाहिए। हो रहा है रिटर्न होगा, फाइनली एक्सचेंज हो गया है, अब
ये पैसे मेरी जेब में जाएंगे, बाबू को उसकी टी शर्ट नहीं मिलने वाली। अब हम टी शर्ट लेने आ तो गए हैं, लेकिन बिलिंग काउंटर पे बहुत ज्यादा भीड़ है और वहाँ पर ही एक घंटा लगने वाला है, पता है मुझे। देख, 400 रुपए के बदले तुझे 150 की टी शर्ट मिल रही है। 100 रुपए मेरे हाथ में भी आएंगे। नहीं, 100 रुपए तुझे कौन दे रहा है? 300। और कितना प्रेशर डालेंगे? बहुत डालेंगे प्रेशर पढ़ाई का। अच्छी है, लेकिन अच्छी लग रही है। हाँ ले ले। पता है मैंने भाई को बोला था, ठीक है अभी तुझे जो खरीदना है मतलब वो खरीद ले, 400 रुपए का वो टी शर्ट था तो हमने उसको रिटर्न किया, जिससे हमें पूरे 400 का नहीं था, 499 का था या 399, ओ 399 का था, विच मीन्स 400 रुपए हमारे पास थे। तो भाई ने पता है 99 रुपए के 4 टी शर्ट ले लिए। मतलब तेरा फायदा हुआ कि नहीं हुआ? हुआ ना तेरा फायदा। फिर मैंने इसको पहले ही बोला था वो टी शर्ट मत ले, दूसरी टी शर्ट ले, लेकिन भाई लोग ना सुनते नहीं है बिल्कुल भी। तो अभी जस्ट हम लोग घर पहुँचे हैं और यहाँ पर पार्किंग में जैसी मैंने गाड़ी लगाई ना, इतनी प्यारी खुशबू आ रही है, किसी के यहाँ पर तो भी बहुत अच्छा, बहुत अच्छी सब्जी बन रही है। हाय टस्की, आजा बच्चा, चलो खाना खाना है ना। पता है मैं घर आती हूँ ना, कैट्स का एक नेचर होता है, ठीक है, तो जब भी हम घर से बाहर जाते हैं, मतलब हम कैट पेरेंट्स, तो कैट्स को ऐसा क्या लगता है कि हम बाहर हंट करने के लिए ही गए होंगे और बाहर से इनके लिए कुछ खाने की चीज़ पक्के से लाए होंगे। जितनी भी बार मैं बाहर से घर आती हूँ ना, उतनी बार टस्की मेरे इर्द गिर्द मंडराने लगता है, क्योंकि इसको ऐसा लगता है कि मैंने इसके लिए कुछ खाने के लिए लाया है। और हमेशा मैं जब घर पर आती हूँ ना, तो मैं थोड़ा मोड़ा, मतलब जो भी एक आधी दो ट्रीट दे देती हूँ, ताकि उसको लगे कि हाँ यार उसके लिए भी मैंने कुछ लाया है बाहर से, है ना टस्की? अरे वहां मत घस, मुझे घस। और ये ना उनके बताने का तरीका होता है, मतलब यहाँ वहाँ वो हमको ये रब करते हैं पैरों पर कि हाँ अभी आप आ गए हो, अभी मुझे खाना चाहिए, है ना टस्की? ये भी आ गई पीछे से, आजा आजा, वेरी गुड वेरी गुड। भूख लग गई है बच्चा, चलो खाना देती हूँ। रात के 1 बज रहे हैं और इस महाशय ने ऑर्डर किया है पिज्जा। तेरे पास इतने पैसे कहाँ से आए बताना, कितने रुपए का है ये? हाँ तुझे तो कोई खिलाएगा नहीं, मैं ही खिला देता हूँ। अच्छा अच्छा, कहाँ से मंगाया पिज्जा? पिज्जा हट, पिज्जा हट से मंगाया। आए हाय, गरम गरम पिज्जा आया है, बहुत ही गरम है सच में। अच्छा गरम है। ज्यादा कौन किस में है? ये वाले इसमें ज्यादा कौन, तो ये वाला उठाऊंगी मैं। तो हम लोगों ने हमारा जो ये है पिज्जा वो सब खा चुका है, लिटरली रात को 12:01 बज रहे हैं और हम लोगों ने पिज्जा मंगा के खाया। एनीवे, आज का व्लॉग यहीं पे समाप्त करते हैं। अभी मुझे बैठना पड़ेगा एडिटिंग के, वो रात को 1 बजे बैठना पड़ेगा यार, मतलब तुम सोच सकते हो रात को 1 बजे मैं एडिटिंग करने के लिए बैठूंगी, 3 बजे सोऊंगी और फिर से कल सुबह मैं लेट ही उठने वाली हूँ। एनीवे, अगर आज का व्लॉग आप लोगों को अच्छा लगा हो तो हिट द लाइक बटन, कमेंट करके जरूर बताना कि कैसा लगा, एंड शेयर करना ये वीडियो को ज्यादा से ज्यादातर, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंचना चाहिए, एंड सब्सक्राइब किए बगैर बिल्कुल मत जाना। हम मिलते हैं हमारे कल वाले व्लॉग में।